द ग्रेट गामा, एक ऐसा पहलवान जो कभी नहीं हारा। पर क्या आप जानते हैं, एक पहलवान ऐसा भी था जिसे ग्रेट गामा भी नहीं हरा पाया था। ग्रेट गामा से जुड़ी ऐसी और अनसुनी बातें, डाइट और वर्कआउट के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना। जो भाई चैनल पर नया है, जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि आप तक कुश्ती से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशंस और वीडियोस पहुंचती रहे। ग्रेट गामा की हाइट 5 फुट 8 इंच थी और वजन 110 किलो के आसपास था। फिर भी शरीर गठा हुआ था। 40 इंच की छाती थी, 22 इंच के कब्जे थे। दंगलों में जब निकलिया करता तब बड़े बड़े पहलवानों के पसीने छूट जाया करते। ग्रेट गामा डाइट में 6 से 7 लीटर दूध, 4 से 5 मुर्गे, 30-40 रोटी, दही, लस्सी, राबड़ी, 2 बड़ी प्लेट फरूट, 2 से 3 लीटर बादाम रगड़ा, आधी किलो घी हर रोज खाता था। चूरमा और खोए के लड्डू मिठाई के रूप में सप्ताह में 3 से 4 दिन खाता था। गामा पहलवान जितनी तगड़ी डाइट लेते थे उस डाइट को हजम करने के लिए उतना ही तगड़ा वर्कआउट भी करते थे। वे रोज 40 पहलवानों के साथ जोर करते थे, 5000 बैठक लगाते थे। बैठक के बीच वाले सेट्स में 95 किलो की गिड़शिरी गले में पहनकर बैठक लगाते थे। 3000 दंड मारते थे, 5 से 6 तरीके के अलग अलग दंड लगाते थे, जैसे सपाटे, चक्री दंड। एंशियंट रेसलिंग पुशअप के ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि भारत के पुराने पहलवान कौन सी पुशअप लगाते थे। गामा पहलवान कस्सी से अखाड़ा खोलते थे, उस पर मैच घुमाते थे, डीगड़ी लगाते थे और मुदगर घुमाते थे। मुदगर भारत देश इंडियन क्लब के नाम से प्रचलित है। हमारे इंडियन पहलवान ये पुरानी जितनी मेहनत है इनको भूलते जा रहे हैं, आज नई तरीके की मेहनत में घुसते जा रहे हैं। पुरानी तरीके की मेहनत बहुत तगड़ी मेहनत थी, हमको वो दौर दोबारा से लाना पड़ेगा। गामा पहलवान ने बहुत कम उम्र से ही नाम कमाना चालू कर दिया था। 10 साल की उम्र में जोधपुर के कंपटीशन में चले गए। कंपटीशन था कौन गणी दंड बैठक मारेगा। गामा पहलवान रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, दंड बैठक लगाते ही चले गए। टॉप के 15 पहलवानों में पहुंच गए। जोधपुर के महाराज यह देखकर बहुत खुश हुए कि एक इतना छोटा सा बच्चा और इतनी तगड़ी मेहनत कर रहा है। गामा को उन्होंने विजेता घोषित कर दिया। वहां गामा की बहुत तारीफें हुई। फिर एक बारी गामा पहलवान वडोदरा पहुंच गए। वहां उन्होंने एक 1200 किलो का पत्थर उठा दिया और सबको दिखा दिया कि उनके अंदर कितनी जान है। वडोदरा में वो पत्थर आज भी म्यूजियम में रखा हुआ है। 17 साल की उम्र में खागड़ ने भारत का जो एक टॉप का पहलवान था रहीम बख्श सुल्तानी वाला उस टाइम, उसको चैलेंज कर दिया। उनकी कुश्ती करवाई गई, कुश्ती दोनों की बराबर रही। वहां से गामा का हौसला बुलंद हो गया, वो बाहर देश कुश्ती लड़ने जाने लगा। वहां उन्होंने सारे पहलवानों को चित कर दिया। कोई भी पहलवान ऐसा नहीं था जिसे गामा ने नहीं हराया था। अब दोबारा से रहीम बख्श सुल्तानी वाला के साथ कुश्ती करवाई गई। इस बारी सुल्तानी वाला को ग्रेट गामा ने हरा दिया और रुस्तम-ए-हिंद का खिताब अपने नाम कर लिया। अब गामा पहलवान के सितारे बुलंदियों पर थे। उन्होंने वर्ल्ड वाइड ओपन चैलेंज अनाउंस कर दिया कि कोई भी आकर उनके साथ कुश्ती करे। कईयों ने तो वो चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं किया और जिन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया उनको हराते हुए गामा पहलवान ने ज्यादा टाइम नहीं लगाया। गामा पहलवान को अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन घोषित कर दिया गया। कई साल बीत गए पर कोई पहलवान ग्रेट गामा के सामने नहीं टिक पाया। फिर 1940 में एक पहलवान आया जो ग्रेट गामा की टक्कर का था। नाम था बलराम हीरामन सिंह यादव। बलराम पहलवान भी अपने कुश्ती कैरियर में किसी पहलवान से नहीं हारा था। दोनों के बीच शानदार कुश्ती चली, कई घंटे कुश्ती चली, कोई किसी को नहीं हरा सका। लास्ट में कुश्ती को बराबरी पर छुड़वा दिया गया। बलराम हीरामन सिंह यादव ही वो पहलवान थे जिसे ग्रेट गामा भी नहीं हरा सके। 1947 के बंटवारे के बाद ग्रेट गामा पाकिस्तान चले गए और कुछ साल बाद उन्होंने कुश्ती जगत से संन्यास ले लिया। गामा पहलवान हम सभी पहलवानों के लिए मोटिवेशन है। गामा पहलवान जी को सत सत नमन। उनका जीवन हमें शिक्षा देता है कि हम कड़ी मेहनत और अनुशासन के बलबूते विश्व लेवल पर अपना परचम लहरा सकते हैं और खुद को कोयले से हीरा बना सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दो और जो भाई चैनल पर नया है जाता जाता चैनल सब्सक्राइब कर दो।
अगर आप में से किसी को कुश्ती से रिलेटेड कोई सामान खरीदना है तो मैंने अमेजन स्पॉन्सर्ड एक कुश्ती स्टोर बनाया है, उस पर एक ही स्टोर पर सारा सामान अवेलेबल है, तो एक बारी आप जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।